और कथा सुनाई सुत जी ने कि एक बार भूतकाल में मेरे गुरुदेव श्री वेदव्यास ऋषि सरस्वती नदी के तीर पर ध्यान कर रहे थे, भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करने बैठे थे। उसी समय आकाश मार्ग से जा रहे थे सनत कुमार। देखा वेदव्यास ऋषि ध्यान कर रहे हैं, सनत कुमार नीचे आए और आकर के वेदव्यास ऋषि को प्रणाम किया। वेदव्यास ऋषि ने भी खड़े होकर के उनको प्रणाम किया, अभिवादन किया और पूछा, भगवन आज आपने मुझे दर्शन देकर के धन्य किया, कृतार्थ किया। सनत कुमार ने उनको हृदय से लगाया और पूछा कि व्यास जी आप यहां इस प्रकार ध्यान कर रहे हैं क्यों? तब वेदव्यास ऋषि ने अपने मन की व्यथा सुनाई, महाराज क्या बताऊं, मैंने संसार के जीवों के लिए अनेकानेक कल्याणार्थ ग्रंथ रचे, बहुत सारे ग्रंथ हमने संसार के लोगों को दिया, जिसमें कर्म की महिमा बताई, किसी में ध्यान की महिमा बताई, किसी में उपासना की महिमा बताई, लेकिन महाराज सच बताऊं अभी तक मेरे मन को शांति नहीं मिली, अभी तक ऐसा लग रहा है कि मैंने मोक्ष प्राप्ति का कोई ग्रंथ संसार के लोगों को नहीं दिया, मेरा मन विचलित है महाराज, ऐसा क्या करूं जिससे जीव मुक्ति के मार्ग पर चल सके। इस बात को सोच सोच करके महाराज मेरा मन बड़ा चिंतित हो रहा है, बड़ा परेशान है, हमें मुक्ति के साधन के विषय में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आज मैं अपने मन की शांति के लिए भगवान का ध्यान करने के लिए बैठा हूं। ये सुनकर सनत कुमार मुस्कुराए, हे व्यास जी जो हालत आपकी है ना, एक बार भूतकाल में वही हालत मेरी हो गई थी, मैंने भी संसार के अनेकानेक साधन किए और इस बात से बड़ा अभिमान हो गया था मुझे, महेंद्र पर्वत पर मैं ध्यान करने बैठा था, तप करने बैठा था और एक बार परम करुणामय भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ और मैं अपने अहंकारवश भोलेनाथ के दर्शन के बाद भी खड़ा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ जान लिया है, मैंने भोलेनाथ का आदर न किया, नाराज होकर के भोलेनाथ ने मुझे श्राप दिया और मैं ऊंट की योनि में गया और जब मैं रोने लगा, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, भोलेनाथ करुणा के अवतार हैं, मेरे आंख के आंसू को सहन न कर पाए, तब अपने गण जो प्रधान गण हैं नंदी, उन नंदी के ईश्वर को भेजा और कहा जाओ उस नादान को शिव तत्व का उपदेश दो। तब भगवान शिव के प्रधान गण नंदी हमारे पास आए और उन्होंने मुझे धर्मोपदेश दिया, शिव तत्व का उपदेश दिया। शिव तत्व को मैंने बड़े प्रेम से श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया, धीरे 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 मेरा वह शरीर छूटा और पुनः मैं इस दिव्य शरीर में आया। इसलिए हे व्यास जी मैं आपको आज वही कहूंगा कि यदि मन की शांति चाहिए तो भगवान शंकर की आराधना करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव पुराण जो कि कलिकाल में लोग अनभिज्ञ हैं,
शिव पुराण का वर्णन करो, भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करो और भगवान शिव की ही कथा सुनो भी और सुनाओ भी। श्रवण करो, मनन करो अथवा तो कीर्तन करो, एकमात्र उपाय है। भगवान शंकर के नाम का श्रवण, भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन केवल और केवल एकमात्र कलिकाल में भवसागर पार करने का साधन बताया। भगवान शंकर के बिना शांति कहां मिलती है सार? रावण ने भी तो शिव तांडव स्तोत्र में कहा ना, शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवान्य। शिव तांडव स्त्रोत्र में रावण ने खुद इस बात को स्वीकारा कि मैं इतने बड़े सोने की लंका में रहता हूं बाबा, मेरे मन को शांति नहीं मिलती, लेकिन जब मैं आपके मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता हूं, जटाटवी गलज वल प्रवाह पावित स्थले है। इस कलिकाल में भवसागर पार होने का भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की आराधना के बगैर मन को विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए हे व्यास जी, शिव के ही नाम का संकीर्तन करो, शिव के ही नाम का श्रवण करो और शिव की ही कथाओं का प्रतिपादन करो। हम लोग ये सोचते हैं घर मकान बनवा लो, शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस कर लो, सुख मिल जाएगा, ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन इन सब से यदि सुख मिलने वाला होता तो आप देखो बड़े बड़े बंगले में बैठे हुए लोग रो रहे हैं। घर में खाना बना रखा है, कोई खाने वाला नहीं। इसका मतलब है मेरे भाई बहन, सुख और शांति साधनों से नहीं मिलती। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। Yeah.
सुख और शांति ये बाहर का विषय है ही नहीं। इसलिए बाहर से आप पाना चाहो, बाहर हो तब तो मिलेगी। शांति कहां है? मन की शांति होती है ना, और मन कहां होता है? अंदर होता है। तो अंदर की चीज को पाने के लिए बाहर खोजोगे, कहां से मिलेगी बाहर? जब भगवान दुनिया वालों को हर चीज बांट रहे थे ना, नाम, आयु, पद, प्रतिष्ठा, भूमि, धन, सब कुछ दे दिया, उस वक्त भगवान के हाथ से एक चीज छूट कर गिरी। भगवान की नजर पड़ी और भगवान ने तुरंत उस पर पांव रख दिया। माता लक्ष्मी ने देख लिया, सब दे दिया प्रभु ने, और बाद में हाथ खड़े कर दिए कि भैया आप कुछ नहीं, मेरे पास सब दे दिया। लोग चले गए, तब माता लक्ष्मी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप भी छुपाते हैं क्या, आप भी झूठ बोलते हैं? प्रभु ने कहा क्या झूठ बोला मैंने? बोले आपने कहा कि मैंने सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है प्रभु आपने एक चीज अपने पैरों के नीचे छुपाई, मैं जानना चाहती हूं प्रभु वो कौन सी चीज है जो आपने अपने पग के नीचे छुपा लिया। तब भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि देवी जो मैंने अपने पैरों के नीचे छुपाई है उसका नाम है शांति। मैंने दुनिया वालों को हर चीज दी है, शांति नहीं दी है। शांति चाहिए तो भगवान के चरणों की आराधना करो, शांति वहां छुपी हुई है। शांति बाहर नहीं है साहब, ठाकुर के चरणों में है, भगवान के नाम में है। ओम नमः शिवाय समंत्र का जाप करो, देखो कैसे शांति नहीं मिलती। एक बार भवानी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को कहा, बाबा मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? बोले जब मैं लक्ष्मी के पास जाती हूँ, सरस्वती के पास जाती हूँ, क्या बढ़िया बढ़िया भवन उन लोगों ने बना रखे हैं, कितना सुंदर भवन बना रखा है। लक्ष्मी जी का तो क्या कहना, वो तो स्वयं लक्ष्मी, क्या सुंदर बाग बगीचे, कितना सुंदर सरोवर, कितना सुंदर उनका महल। सरस्वती जी के पास जाती हूँ, क्या सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे होते हैं उनके बाग बगीचे में, और जब मैं अपने यहाँ आती हूँ कुछ भी नहीं, श्मशान। महाराज मेरे मन को बड़ी पीड़ा होती है। लक्ष्मी और सरस्वती कभी कभी तो मुझे चिढ़ाती हैं कि पार्वती कब तक श्मशान में पड़ी रहेगी, अरे अपने पति से बोल कोई झोपड़ी ही बना दे तेरे लिए। महाराज मन को बड़ी चिंता रहती है, रहती जरूर आपके पास लेकिन मन को शांति नहीं मिलती है महाराज। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, देवी शांति महलों से नहीं मिलती है, शांति तो हमारे मन का विषय है। पार्वती ने कहा कि नहीं महाराज, एक बार आप महल बना करके तो देखिए कितना सुकून मिलता है। भोलेनाथ ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगी, प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। तो देवताओं की शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा, देवी इनके साथ जाओ, जैसा तुम्हारे मन में कल्पना होगी ऐसा ही भवन बना करके तुमको देंगे। माता पार्वती ने अपने मन की कल्पना सारी उनको बताई और विश्वकर्मा जी ने एक बड़े सुंदर महल का, पूरी नगरी का निर्माण कर दिया, पूरा सोने का महल, इतना सुंदर महल बनकर के तैयार हुआ। पार्वती जी ने कहा कि नाथ चलिए हम दोनों महल में चलेंगे। भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसे थोड़ी चलेंगे, अरे पहले पूजन तो हो,
वास्तु पूजन हो, गृह प्रवेश हो, अच्छा मुहूर्त देखा जाए, अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया जाए, पहले पूजन हवन तो हो जाए फिर तो प्रवेश करेंगे ना। तो बोले ठीक है महाराज कर लीजिए। तो उस वक्त धरती पर बहुत बड़ा विद्वान रावण था, शिव जी का ही चेला है। रावण को बुलाया, रावण ने बड़े प्रेम से वास्तु पूजन किया, गृह प्रवेश का सारा जो विधि विधान है रावण ने सब कुछ किया। भाई पूजन कराने वाले ब्राह्मण को अंत में दक्षिणा भी तो दी जाती है। भोलेनाथ ने कहा ब्राह्मण देव आपने इतने मन से पूजा कराई है, हम आपके ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, मांगिए मैं आपको क्या दूं। रावण बड़ा बुद्धिमान था, इतना सुंदर महल देख करके रावण का मन खुद फिसल रहा था। रावण ने कहा कि बाबा जो भी मांगूंगा आप देंगे? बोले पक्की बात है दूंगा, मांगो तो। रावण ने कहा तो महाराज दक्षिणा में ही महल दे दो हमको। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु ले जाओ, और सारा सोने का महल ही रावण को उठा करके दे दिया। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा देवी मैंने कहा था ना हमारे किस्मत में ये सोने का महल वहल नहीं है, चलो हम चलते हैं कैलाश। और सोने की लंका पा करके भी रावण कहां तृप्त हुआ। शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण भी सुखी तब होता था जब भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय सदाप इस मंत्र का जाप करता था। मतलब ये हुआ कि संसार में शांति और सुख साधनों में नहीं, केवल और केवल भगवान नाम स्मरण करने में जो शांति है वह दुनिया में और किसी साधन में नहीं है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।